दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत हेडलाइन से। एंड न्यू गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोपाल नगर पक्का भरो हमीरपुर। तारों के जाल से आजाद होगा शिमला। भारी बारिश और बर्फबारी में भी 24 घंटे मिलेगी बिजली। सीएम ने मंजूर किए 100 करोड़। बेशक इवेंट भाजपा और आरएसएस का था, पर श्रीराम सभी के हैं। अयोध्या से लौटने के बाद बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह। 12,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा जूनियर ड्राफ्ट्समैन। फतेहपुर में विजिलेंस की कार्रवाई। बोरवेल की सब्सिडी के लिए मांगी थी घुस। बरसात ने खून के आंसू रुलाया हिमाचल। केंद्रीय बजट में मिलना चाहिए विशेष पैकेज। प्रतिभा सिंह ने उठाई मांग। सत्ता परिवर्तन के एक साल बाद रिवालसर में भी परिवर्तन। नगर पंचायत पर हुआ कांग्रेस का कब्जा। विधायक प्राथमिकता की बैठकों में बदलाव। सोलन और सिरमौर में बदला गया कार्यक्रम। लोकसभा चुनावों में कूदा कांग्रेस सेवा दल। चारों संसदीय क्षेत्रों में तैनात किए प्रभारी। हिमाचल के कई हिस्सों में 6 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। कल से मेहरबान हो सकते हैं इंद्रदेव। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी शिमला में भूमिगत बिजली तारों पर 55 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे उचित डक्ट की सुविधा सुनिश्चित होगी। साथ ही बर्फबारी और बारिश में भी जनता को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए शिमला शहर में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। शिमला में भूमिगत बिजली तारों पर 55 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे शहर में भारी बर्फबारी और बारिश के दौरान भी उपभोक्ताओं को निर्बाध और 24 घंटे बिजली आपूर्ति उपलब्ध होगी। सीएम ने कहा कि यह कदम शिमला शहर के पुराने गौरव को बहाल करने के अलावा पर्यटकों के लिए शहर की सौंदर्य अपील को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा शिमला में सर्कुलर रोड के सुधार एवं चौड़ीकरण के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि अयोध्या में रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी तरह से आरएसएस और भाजपा का इवेंट था, लेकिन भगवान राम भाजपा के नहीं सभी के हैं और पूरे देश की निष्ठाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। अयोध्या से लौटने के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह अपने पिता की देव समाज में आस्था और भगवान राम के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए अयोध्या गए थे। भविष्य में भी निरंतर राम मंदिर और देश के दूसरे प्रमुख धर्म स्थलों का भ्रमण करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भले ही यह आरएसएस का इवेंट था, लेकिन मंदिर उनका नहीं है, वह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उन्होंने हर लड़ाई फ्रंट फुट पर लड़ी है। वे पूरी तरह से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं और पार्टी के लिए समर्पित कार्य करते रहेंगे। पैसे के लालच में सरकारी कर्मचारी किसी तरह अपना कर्ज भूल जाते हैं, अक्सर देखने को मिलता रहता है। इसी कड़ी में विजिलेंस ने घूस लेते एक कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ा है। विजिलेंस की टीम मृदा संरक्षण अनुभाग फतेहपुर जिला कांगड़ा के जूनियर ड्राफ्ट्समैन को 12,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बोरवेल के लिए सब्सिडी स्वीकृत करने के बदले 12,000 की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद विजिलेंस ने जाल बिछाया और फिर आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमें पिछले कल एक सूचना मिली थी कि इस ऑफिस का एक लिविंग हैंड विवेक कुमार फंड रिलीज करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा है, तो हमने गुप्त तौर पर इसमें अपनी सूचनाएं एकत्रित करके इसको जो आज रंगे हाथ 12,000 रुपये रिश्वत देते हुए पकड़ा है। केंद्र सरकार को बजट में हिमाचल के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करनी होगी, यह कहना है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह का। बरसात में आई भयानक त्रासदी के बाद हिमाचल में भारी नुकसान हुआ है। आपदा के बीच
प्रदेश के लोग केंद्र सरकार की तरफ मदद के लिए देख रहे थे, लेकिन केंद्र से प्रदेश को पर्याप्त मदद नहीं मिली। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने अपने साधनों से मदद का ऐलान कर दिया। प्रदेश के विकास पर जो बजट खर्च होना था उसे आपदा से हुए नुकसान की भरपाई में लगाया गया है। अब ऐसे में केंद्र को राज्य की आर्थिक तौर पर मदद करने की जरूरत है। केंद्रीय बजट में इस बार हिमाचल की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बजट सत्र के दौरान सदन में वह प्रदेश के हितों की बात रखेंगी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के एक साल बाद मंडी जिला की नगर पंचायत रिवालसर में भी सत्ता परिवर्तन हो गया है। नगर पंचायत रिवालसर में बुधवार को कांग्रेस समर्थित सुनीता गुप्ता को अध्यक्ष व कश्मीर सिंह यादव को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया। इससे पूर्व कांग्रेस समर्थित सुलोचना के पास अध्यक्ष जबकि भाजपा के कमल गुप्ता के पास उपाध्यक्ष का पद था, लेकिन 30 दिसंबर को दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर यह पद रिक्त हो गए थे। बुधवार को नगर पंचायत कार्यालय में आयोजित चुनावी प्रक्रिया में कांग्रेस समर्थित 5 पार्षदों लाभ सिंह, कश्मीर सिंह, सुनीता गुप्ता, रीता व सुलोचना ने भाग लेते हुए दोनों पदों पर अपनी सहमति बनाई। चुनाव अधिकारी एसडीएम बल अमर नेगी ने नगर पंचायत रिवालसर में दोनों पदों के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि अध्यक्ष पद के लिए श्रीमती सुनीता गुप्ता वार्ड नंबर 2 इनका सर्वसम्मति से चुनाव किया गया है और उपाध्यक्ष पद के लिए श्री कश्मीर सिंह जी वार्ड नंबर 3 इनका सर्वसम्मति से चुनाव किया गया है। एज पर रूल्स भी हमें 3/4 चाहिए थे तो 5 पार्षद आज उपस्थित थे हमारे यहाँ पे इसके लिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली विधायक प्राथमिकता बैठकों में बदलाव हो गया है, आइए जानते हैं। प्रदेश सरकार ने विधायक प्राथमिकताओं की बैठक में बदलाव किया है। वार्षिक बजट 2024-25 के लिए प्रस्तावित जिला सोलन और सिरमौर की पूर्व निर्धारित बैठकों के समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। जिला सिरमौर की बैठक 29 जनवरी को अब 10 बजे से 1:30 और इसी दिन सोलन की बैठक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक सचिवालय शिमला में होगी। शेष जिलों की समय सारणी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। यह बैठकें अपने पूर्व निर्धारित समय और तिथि पर आयोजित की जाएंगी। बैठकों में वार्षिक बजट 2024-25 की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस सेवा दल ने गतिविधियां बढ़ा दी हैं और 4 लोकसभा सीटों पर प्रभारियों की तैनाती कर दी है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक अनुराग शर्मा ने बताया कि सेवा दल ने 4 संसदीय क्षेत्रों में प्रभारी तैनात किए हैं। इससे संगठनात्मक गतिविधियों के प्रभावी संचालन और चुनावी प्रबंधन में मदद मिलेगी। शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए संतराम धीमान, मंडी के लिए सुशील ठाकुर, हमीरपुर के लिए इंजीनियर ML कौंडल और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए राजेश शर्मा को प्रभार सौंपा गया है। यह प्रभारी आगामी लोकसभा चुनाव में संगठन की गतिविधियों और चुनावी प्रबंधन के संदर्भ में सहयोग करेंगे। सब कुछ सही रहा तो कल इंद्रदेव हिमाचल पर मेहरबान हो सकते हैं। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान लगाया है उसमें भी यही संकेत मिल रहे हैं। हिमाचल में कल पहला और दूसरा 27 जनवरी को दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसके प्रभाव से राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। प्रदेश के कई भागों में लगातार 6 दिनों तक बारिश बर्फबारी की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में 25 से 30 जनवरी तक बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हालांकि मैदानी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। उधर राज्य में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। 9 जगह न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। मैदानी जिलों मंडी, बिलासपुर, ऊना, नूरपुर, पांवटा साहिब और बद्दी नालागढ़ में अगले 2 दिनों के दौरान सुबह के समय अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। सरकार गांव के द्वार बरसर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखू, लोगों की समस्याओं का मौके पर किया समाधान। संग्राह में दर्दनाक सड़क हादसा, एक की मौत, रात को हुए हादसे का सुबह चला पता। 7वें दिन भी जारी रहा चिकित्सकों का प्रदर्शन, काले बिल्ले लगाकर दी सेवाएं, NPA में कटौती का हो रहा विरोध। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले अब प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक, अनुराग ठाकुर ने आड़े हाथ लिए विपक्षी दल।
न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।